हमारी आंख में जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है, ठीक है, उसका नाम होता है स्क्लेरा। ठीक, स्क्लेरा तीन लेयर होती हैं आंख में। पहला सबसे बाहर वाला आउटर वाला स्क्लेरा हो गया, ठीक, उसके अंदर जो आता है वो कोरोइड हो गया, फिर उसके अंदर रेटिना। स्क्लेरा जो सबसे बाहर वाला होता है, यानी अगर जब हम आप लोग देखते होंगे आंख में, देखिए जैसे पूरा जो वाइट वाइट जो पार्ट दिख रहा है वो क्या होता है, वो स्क्लेरा होता है। ये आंख में जो एकदम वाइट वाला पार्ट दिख रहा है वो स्क्लेरा है, उसके अंदर कोरोइड। स्क्लेरा का क्या काम होता है, ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद कोरोइड, कोरोइड क्या करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसमें न्यूट्रिएंट पिगमेंट होते हैं जो हमारी आंख को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है रेटिना, रेटिना में ये फोटो रिसेप्टर सेल्स इसमें होती हैं, राड सेल्स और कोन सेल्स होती हैं जो हमारे आंख के विजन के लिए होती हैं। अब इस साइड आते हैं, इसमें देखिए जो सबसे बाहरी वाला पार्ट होता है, जैसे आँख में अगर आप हाथ से टच करते हैं तो जब जो सबसे पहले टच होता है, जिस टच तो नहीं करना चाहिए लेकिन अगर आप टच करते हैं तो जब सबसे पहले टच होगा वो क्या होता है, कार्निया होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम बाहर से दिखाई नहीं देता है। और ये कैसा होता है, ये उभरा हुआ होता है। उसके अंदर आता है आयरिस, ये जो बड़ा सा ब्लैक वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को वो क्या होता है, वो आयरिस होता है। और उसके अंदर जो एकदम उसके अंदर भी देखिए एक छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा होगा वो होता है प्यूपल। ठीक, और ये जो जैसे भूरी आंख होती हैं किसी की, किसी की नीली आंख होती हैं, किसी की काली आंख होती हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, वो आयरिस के कलर की वजह से होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ऐश्वर्या राय की आंख नीली है, तो वो क्या है, वो आयरिस का कलर होता है। और पीपल हमेशा सभी लोगों में वो ब्लैक ही होता है। फिर उसके अंदर आता है लेंस, लेंस ये ट्रांसपेरेंट कलर का एक कांच के, कांच की तरह ही होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वो छोटी सी जो बाल होते हैं जो पानी में डाल देने पर फूल जाती है और ऐसे पटकने पे बहुत तेज़ी के साथ उछलती है, तो उसको अगर आप कभी फोड़ करके देखेंगे, जैसे जो उसमें का जो वाइट वाला कलर होगा, वाइट कलर की बाल अगर लिए हों और उसको आप जब फोड़ करके देखेंगे, फोड़ करके टच करेंगे, तो जिस कलर का जैसा वो फील होगा, जैसे एकदम चिकना और ऐसे एकदम मुलायम मुलायम सा वो फील होगा, वैसा ही हमारे आँख का लेंस होता है। फिर उसके बाद से ये जो कोरोइड जो लेयर है, कोरोइड लेयर है ये आँख के पास, हमारे जो लेंस के पास, कोरोइड लेयर लेंस के पास से ऐसे ये जुड़ी होती है जिसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये जो सिलेरी ये होती है, जो ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ये होता है सिलेरी बॉडी। ये सिलेरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट ये दोनों क्या करते हैं, ये मसल्स कंट्रोल मूवमेंट ऑफ लेंस अकॉर्डिंग टू लाइट। ये हमारी आंख के मसल्स को कंट्रोल करते हैं अकॉर्डिंग टू लाइट, लाइट के हिसाब से ये आंख के लेंस को कंट्रोल करते रहते हैं। और ये जहां कार्निया होता है यहीं पे ये एक फ्लूइड भरा होता है जिसे एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ये कार्निया के पास यहाँ ये देखिए जो ये वाला पार्ट है इसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और ये जो देखिए बड़ा सा इतना ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको रेड कलर में ऐसे ऐसे किया हुआ, ठीक है, ये क्या होता है, ये विट्रस ह्यूमर होता है। ये इसलिए होता है कि अगर ये जैसे पानी, ये भी लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, अगर ये ना रहे तो आँख क्या होगी, बीच में से सिकुड़ जाएगी, ये पूरा का पूरा ये ऐसे आँख छोटी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, इसलिए विट्रस ह्यूमर पानी भरा होता है। जैसे किसी चीज़ में अगर आप पानी भर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, वैसे ये विट्रस ह्यूमर भी इसमें रहता है जिसकी वजह से ये आंख सिकुड़ती नहीं है। अगर हम इसको निकाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा। अब यहां पे देखिए ये जो रेटिना है, रेटिना यहां से रेटिना, रेटिना में यहां पे कोन सेल्स और राड सेल होती हैं जो क्या करती हैं, राड सेल होती हैं। और ये किससे कनेक्टेड होती हैं, ये कनेक्टेड टू ब्रेन, ये डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। जो हमारे अगर हम जो कुछ भी देखते हैं तो वो क्या होता है, जैसे देख लिए कोई चीज़ देख ली, आप कोई आ रहा है देखें या फिर कुछ भी देखें, तो हम देखें आँख से, ये लेंस से आया, फिर रेटिना पर उसका फिगर बना। आप लोगों ने सुना ही होगा कि रेटिना पे इमेज जो होता है वो उल्टा बनता है, जैसे अगर इमेज कोई ऐसा है, ठीक है, तो रेटिना पे आकर के वो ऐसा बनता है, लेकिन आपको वो सीधा कैसे दिखाई देता है, तो
ये है जो, ये जो नर्व है ये ऑप्टिक नर्व है। ये क्या करती है, ऑप्टिक नर्व ब्रेन से कनेक्टेड होती है, ये ब्रेन को बताती है कि ये ऐसा है। तो ये क्या करता है, ब्रेन क्या करता है, उसको फिर सीधा कर करके हमको फील कराता है। तो फिर हम लोगों को लगता है कि वो जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो सीधी है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, स्क्लेरा क्या करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तीन लेयर होती हैं, स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना। ठीक, स्क्लेरा क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कोरोइड क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, यानी इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। रेटिना कंटेंस फोटोरिसेप्टर, इसमें कौन कौन से फोटोरिसेप्टर होते हैं, कोन सेल्स और रॉड सेल्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट लेयर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ आयरिस एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये कॉर्निया क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इन फ्रंट ऑफ आयरिस, आयरिस के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये आयरिस है, ये आयरिस है, ये आयरिस हो गया और ये कॉर्निया हो गया। तो ये इसके सामने प्रेजेंट है फिर, और ये क्या करता है, ये भी प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आयरिस, आयरिस क्या करता है, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल। ठीक है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है मूवमेंट, प्यूपिल के कंट्रोल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद प्यूपिल, स्मॉल होल फ्रॉम वेयर लाइट इंटर्स इन द आई। प्यूपिल कैसे क्या होता है, एक छोटा सा छेद की तरह होता है। ठीक है, जो जब हमारे जैसे आँख में ऐसे लाइट आती है तो यहाँ से इंटर कर जाती है, आँख में इंटर कर जाती है, फिर उसके बाद से जा करके रेटिना पर ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है। लेंस इन्वॉल्व इन फोकसिंग ऑफ लाइट ऑन टू रेटिना। फिर इसके बाद एक्वस ह्यूमर फ्लूइड बिटवीन लेंस एंड कार्निया। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, लेंस और कार्निया, ये लेंस हो गया और ये कार्निया हो गया, इसके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। फिर विट्रस ह्यूमर फ्लूइड इनसाइड रेटिना एंड आई। फ्लूइड जो फ्लूइड है इनसाइड रेटिना, रेटिना हो गया और ये आई हो गया, इसके बीच में जो फ्लूइड है वो विट्रस ह्यूमर हो गया। फिर ये कोन सेल्स, कोन सेल्स क्या करती हैं, कलर विजन के लिए हेल्प करती हैं। ठीक है, रॉड सेल ये हेल्प इन ट्विलाइट विजन, यानी ये रात में जो विजन होता है, रात में अगर कोई चीज़ देखते हैं तो उसके उसमें ये रॉड सेल हेल्प करती हैं। फिर ये ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व क्या करता है, नर्व विच ब्रिंग्स इम्पल्सेस फ्रॉम आई टू ब्रेन। ये क्या करता है, आप जैसे कुछ देखें तो उसको ब्रेन तक पहुँचाता है, किसके माध्यम से, ये जो ऑप्टिक नर्व होती हैं वही ब्रेन तक पहुँचाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।